तो बच्चों हम रिवीजन कर रहे हैं और अभी हमने सेकंड चैप्टर जो है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन उसको हमने रिवाइज़ किया है। तो आज मैं आपसे 20 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन गिवन है और आपने इन क्वेश्चंस के ऑप्शन बताने हैं कौन सा राइट आंसर है, और तुक्का नहीं लगाना है, जैसे हम क्यास लगा लेते हैं वो नहीं लगाना। आपने आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है और क्वेश्चन को अच्छी तरह पहले पढ़ना है, उसके बाद ही आपने आंसर देना है, और अगर आप नहीं कर पाए तो मैं सॉल्व करके आपको ये क्वेश्चन बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो ये आपका पहला क्वेश्चन, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन हैं, तो मैंने पहले कहा कि एकदम नहीं जवाब देना, पहले पढ़ लो अच्छी तरीके से, फिर हाँ जी। तो ए बी सी, तो आप बोल रहे हो ए, ठीक है। चलिए सेकेंड, द रेंज ऑफ टैन इनवर्स एक्स। टैन इनवर्स एक्स क्या है? बी। श्योर? अपनी बुक में चेक करके देखें रागा। चलिए ये किसका है? साइन और ये है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। तो पाई बाय फोर, क्योंकि आपको याद हो गया ये क्वेश्चन, लेकिन अब इसको हम यूज़ करें, इसको सॉल्व करें, तो मेरे पास आ जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई बाई फोर, और हमें पता है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स बिलोंग टू, हाँ, माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ये पाई बाई फोर जो है वो माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में है, सो इसका जो आंसर है वो पाई बाई फोर होगा। चलिए नेक्स्ट, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोज इनवर्स -1/2। तो सॉल्व करके देखें आप, फटाफट सॉल्व करें। कॉज इनवर्स और -1/2, ऐसा कौन कॉज का कौन सा एंगल होता है? हाँ जी, पाई बाई थ्री। अब यहाँ पे ये माइनस जो है इसको हटाना है हमने, बट यहाँ पे दिक्कत ये है कि आपने पहले ऐसी रेंज ढूंढनी है। तो इन्वर्स में रेंज जो है वो आपकी कौन सी है? फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड, 0 to π। तो अब आप इस जो माइनस वाली टर्म को है इसे आपने सॉल्व करना है, तो एंगल को आपने कौन सी क्वाड्रेंट में लेके जाना है? तो कॉस जो है वो नेगेटिव होता है सेकंड और थर्ड में। अब लेकिन आप सेकंड में या थर्ड में ले जाएंगे, ये डिपेंड करता है कि आपकी जो कोज इनवर्स की रेंज है वो क्या है। तो रेंज कौन सी है? फर्स्ट और सेकंड। तो सेकंड में नेगेटिव होता है तो आपको इसको सेकंड में लेके जाना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? पाई माइनस पाई बाई थ्री, और ये जो टर्म है इसके रेंज में आ गई है, यही इसका आंसर है। तो मेरे पास कितना आएगा? 2π/3। तो हमारा कौन सा आंसर है? बी आंसर हमारा 2π/3। चलिए नेक्स्ट देखें, द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ कोसेकेंट इनवर्स -√2। तो -π/4 आप बोल रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम इसको फाइंड करें कोसेकेंट इनवर्स और माइनस और √2, तो ये कोसेकेंट की कौन सी वैल्यू होगी? पाई बाई फोर। अब कोसेकेंट इनवर्स और ये जो कोसेक इनवर्स है ये एक्स के बराबर होगा अगर ये इसकी रेंज में है। तो कोसेकेंट इनवर्स एक्स जो है उसकी रेंज होती है 0 to π ही होती है। हाँ जी, कोसेकेंट की क्या होती है? तो यहाँ से क्या आगा, क्या है इसकी रेंज?
तो मैंने गलत लिखी है ना, तो ये है इसकी रेंज ये वाली माइनस पाई बाई टू, पाई बाई टू, पर इसमें ज़ीरो जो है इन एक्सक्लूड है, ये वाला नहीं है। तो आपकी क्वाड्रेंट है फर्स्ट और फोर्थ, तो इसे आप किस में ले जाएंगे? फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो फिर इस एंगल को आप फोर्थ में ले जाएंगे। ये आ गया कोसेकन माइनस पाई बाई फोर, और ये आपके पास आ जाएगा माइनस पाई बाई फोर। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या है? बी आंसर था इसमें। चलिए नेक्स्ट। तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो यहाँ पे वाई की रेंज क्या होगी? क्या होगी? माइनस पाई बाई टू लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू। ये फर्स्ट और फोर्थ इंक्लूडिंग पाई बाई टू एर माइनस पाई बाई टू। चलिए इसे बताइए अब सॉल्व करके, क्योंकि ये तो ऐसे सॉल्व होगा नहीं। तो टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस सी के इनवर्स माइनस टू किसके इक्वल होगा? तो टेन इनवर्स तो रूट थ्री सी आप बोल रहे हैं माइनस पाई बाय थ्री, तो पीछे जवाब देख के नहीं बुक से देख रहे, तो टेन इनवर्स रूट थ्री है, तो रूट थ्री टेन की कौन सी वैल्यू होती है जो रूट थ्री होती है? पाई बाई थ्री, ठीक है। और माइनस सेकंड इनवर्स माइनस और टू, सेकंड के कौन सा एंगल है जो टू है? हाँ जी पाई बाई थ्री। और यहाँ पे देखिए टैन इनवर्स, तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ये आ गया पाई बाई थ्री, क्योंकि ये पाई बाई थ्री इसकी रेंज में है, क्योंकि जो टैन इनवर्स की रेंज है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो इसलिए ये इसकी रेंज में है, तो ये आ गया पाई बाई थ्री, सॉल्व हो गया। बट यहाँ पे देखें माइनस सेकंड इनवर्स, तो सेकंड जो है नेगेटिव है, तो सबसे पहले तो सेकंड की आपको पहले रेंज ढूंढनी है सेकंड इनवर्स की, तो सेकंड इनवर्स की रेंज क्या है? ज़ीरो टू, ये रेंज है, और पाई बाई टू एक्सक्लूड है, ये इसमें नहीं है, मतलब ऐसे है ना, ज़ीरो टू पाई माइनस पाई बाई टू एक्सक्लूड है। तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो सेकंड जो है नेगेटिव जो है बाबा का सेकंड में, हालांकि सेकंड थर्ड में भी नेगेटिव होता है, लेकिन आप थर्ड में क्यों नहीं लेके जा रहे? क्योंकि आपकी जो सेकंड इनवर्स की रेंज है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट ही है, इसलिए फिर आपके पास ऑप्शन बचती है कि आप इसे पाई माइनस पाई बाई थ्री, ये आपके पास बन जाएगा पाई माइनस पाई बाई थ्री, ये कौन सी क्वाड्रेंट? सेकंड। तो अब आपके पास पाई बाई थ्री ये सॉल्व हो गया, ये आ गया टू पाई बाई थ्री, और इसे आप अगेन सॉल्व कर लें तो माइनस पाई बाई थ्री आपके पास आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कोज इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, क्या पाई बाई टू माइनस कोज इनवर्स माइनस एक्स होगा, या कोज इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होगा, या फिर पाई माइनस कोज इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होगा, या साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होगा? कोई भी नहीं है, तभी तो मैंने सुबह आपको बोला था कि फार्मूले जो है वो पढ़िए। तो गड़बड़ है इसमें? यस यस, ये ऑप्शन सही थी, बट यहाँ पे माइनस नहीं आना था, ये मेरे से एक्चुअली गलती हो गई है, ये कोज इनवर्स एक्स से आना था, पाई माइनस कोज इनवर्स एक्स, तो सी हमारा आंसर रहता अगर यहाँ पे माइनस नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन इनवर्स साइन थ्री पाई बाई फोर, और आपने बताना है इसमें चार कौन से ऑप्शन हैं। अब देखो हमारा कंसेप्ट क्या है, हमारा कंसेप्ट है कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे जो एक्स है वो इन दो क्वाड्रेंट में होना चाहिए, पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, तब हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। अब मैं साइन इनवर्स साइन थ्री पाई बाई फोर फाइव को थ्री पाई बाई फोर फाइव नहीं कर सकता, क्योंकि थ्री पाई बाई फाइव जो है वो इस रेंज में नहीं है, यहाँ तो यहाँ एंगल आना चाहिए, यहाँ यहाँ पे एंगल आना चाहिए, तो यहाँ नहीं है। सेकंड, अब हमने क्या करना है कि यहाँ से अगर आपको आइडिया आ जाए कि थ्री पाई अपॉन फाइव एंगल है कितना, कई बार हमें नहीं पता होता, तो आप यहाँ से इसको 180 से गुना करके तो आप पता कर सकते हैं कि ये कौन सी क्वाड्रेंट में है, डिग्री में,
कई बार हमें रेडियन मेजरमेंट नहीं पता चलता कि ये एक्चुअल में एग्जैक्टली एंगल कौन सी क्वाड्रेंट में है अभी तक। तो अभी तक ये जो एंगल है ये आपका इस क्वाड्रेंट में है, क्योंकि ये बनता है 54, तो कितना बन गया 108। तो 108 डिग्री यहाँ बन रहा है, तो ये थर्ड में है। तो अब हमने इसको रेंज में लेके जाना, तो रेंज हमारी क्या है, सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ। अब फोर्थ में क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि जब पॉजिटिव है तब हमारे पास ऑप्शन क्या बची, फर्स्ट की। तो हमने इसे कन्वर्ट कर देना है फर्स्ट में, तो मेरे पास आ गया साइन इनवर्स और साइन, और इसे मैं कन्वर्ट करने के लिए लिख सकता हूँ पाई माइनस, मतलब मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ। तो अगर ब्रेक करेंगे तो ये देखिए, ये मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया, 3π/5 को पाई माइनस 2π/5 कर दिया। अगर आप इसको सॉल्व करके देखें तो आपको 3π/5 मिलेगा। और अब इसे हमने सॉल्व करना है, और सॉल्व करना है इस चीज़ को, तो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री आ गई। अब इनवर्स का काम नहीं यहाँ पे, अब ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का काम है। ट्रिग्नोमेट्री में हमने अलाइड एंगल किए हैं, अब ये बन गया आपका अलाइड एंगल। तो अलाइड एंगल में क्या होता है कि पाई के साथ साइन चेंज नहीं होता, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो आपके पास 2π/5 आ गया। अब आपके पास यहाँ पे ये टर्म आ गई। अब यहाँ पे आप इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। इनवर्स की प्रॉपर्टी कहती है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स होगा, ये साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/5 होगा इफ़ 2π/5 अगर कहाँ हो, फर्स्ट क्वार्टर में। तो अगर ऐसे आप सॉल्व करके देखें तो ये 72 डिग्री आता है, और ये आपका फर्स्ट क्वार्टर में है। तो दिस इज योर आंसर सेकंड बी। नेक्स्ट देखें, टैन इनवर्स कोज एक्स डिवाइडेड बाई 1 - sin x। तो चार ऑप्शन हैं, तो ये क्या आंसर आएगा। एक्चुअल में ये क्या है, सिंप्लीफिकेशन है, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, टैन इनवर्स। तो सिंप्लीफाई में क्या होता है कि आपको टैन इनवर्स यहाँ से हटाना है, तो टैन इनवर्स तभी हटेगा जब अंदर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर टैन आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे इनकी कुछ वैल्यूज पुट करनी है। तो कोज एक्स की वैल्यू जो है, हमारे पास जो वैल्यू है कोज एक्स की, वो हमारे पास चार वैल्यू हैं। अब आपने डिसाइड करना कि कौन सी वैल्यू यहाँ लगेगी। तो यहाँ पे जो वैल्यू लगेगी वो आएगी कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे जो है 1 - sin x है। तो 1 को आप लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स वाई 2 और माइनस सॉरी प्लस साइन स्क्वायर एक्स वाई 2, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, हाफ आ जाएगा क्योंकि एंगल x है, तो यहाँ पे हाफ आ जाएगा। और माइनस साइन एक्स को हम लिख सकते हैं 2 sin x/2 cos x/2। तो आगे क्या बन जाएगा आपके पास, टैन इनवर्स। तो ये इसे आप ऐसे लिख सकते हैं cos x/2 + sin x/2 ब्रैकेट में, फिर आप लिख सकते हैं cos x/2 - sin x/2 ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट लगा दिए नीचे, ये a² + b² - 2ab। क्या जी बन रहा है, पर क्या मैं इसे ऐसे लिखता हूँ cos x/2 - sin x/2 2। अलजबरा, अब देखो ये 2 टाइम है, ये 1 टाइम है, ये आप कैंसिल हो सकता है, और यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा cos x/2 + sin x/2, और नीचे क्या बच रहा है cos x/2 - sin x/2। अब नेक्स्ट आइडिया क्या है कि जैसे मैंने पहले कहा कि इस ब्रैकेट के अंदर टैन चाहिए आपको, अब आपने इसको टैन में कन्वर्ट करना है। अब आप कोई फार्मूला ढूंढें जिसमें ये टैन में कन्वर्ट हो सके। अगर आप देखें तो जो न्यूमिनेटर उसको cos x/2 से डिवाइड कर दें, इसे भी cos x/2 से डिवाइड कर दें, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाता है टैन इनवर्स, तो 1 + tan x/2, और नीचे बन जाता है 1 - tan x/2। नेक्स्ट फर्दर देखें, ये एक फार्मूला है 1 + tan x/2
वन माइनस टेन एक्स बाई टू, ये फार्मूला है। ये क्या फार्मूला है? टेन इनवर्स और टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर टेन आपको मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से टेन इनवर्स टेन आपका कैंसिल है, तो आपके पास आंसर है पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। तो यहाँ पे सी आपके पास ऑप्शन है। और जब हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किया था तो मैंने कहा कि कुछ यहाँ कंडीशंस हैं वो यहाँ पे इम्प्लाइज हो रही हैं, तो हम रिज़ल्ट जो कुछ यहाँ लेके ला रहे हैं जो रिज़ल्ट, वो उन प्रॉपर्टीज़ की वजह से, उन कंडीशन की वजह से है। अदरवाइज यहाँ पे जैसे हमने ये कंडीशन लगाई, मैंने लिख दिया टेन इनवर्स ऑफ टेन पाई बाई फोर प्लस, मैंने लिख दिया ये, लेकिन कंडीशन क्या है, ये कहाँ होना चाहिए? फर्स्ट और फोर्थ में होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन इम्पोज थी कि यहाँ से हम ये मान के चल रहे हैं कि ये वाला जो एंगल है ये जहाँ तो फर्स्ट में है या फिर फोर्थ में है, अदरवाइज हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते। पर शुरू में हमने कहा था कुछ कंडीशंस है वो यहाँ पे लग रही हैं, तो हम रिजल्ट को सीधे ही ऐसे लिख रहे हैं। तो ये मेरे पास ऑप्शन आ गई सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। कोट ऑफ टेन इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए इज इक्वल टू, तो फार्मूला मैंने सुबह बोला आपको फार्मूले करिए, क्या ये किसी के बराबर है? तो ये होता है पाई बाई टू, और कोट पाई बाई टू कितना होता है बेटा? ज़ीरो, बिकॉज कॉस पाई बाई टू अपॉन साइन पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू कितना होता है? ज़ीरो। साइन पाई बाई टू कितना होता है? वन, और ये कितना आ गया? ज़ीरो। तो आपके पास क्या ऑप्शन आ गई? डी। नेक्स्ट चलें, कोज इनवर्स कोज सेवन पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आ गया वही जैसे हमने थ्री पाई बाई फाइव। इसमें भी देखिए कि हमने कॉज इनवर्स ऑफ कॉज एक्स को एक्स लिख सकते हैं, कंडीशन है कि ये ज़ीरो और पाई के बीच में हो, मतलब आपके पास ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में रहना चाहिए, कंडीशन कह रही है कोज इनवर्स की। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन मेरे पास है कि कोज इनवर्स, अब कॉज जो है वो सेवन पाई बाय सिक्स है, मतलब एंगल जो है सेवन पाई बाय सिक्स है, एंगल आपको चाहिए इसमें, तो सेवन पाई बाय सिक्स जो है वो मोर देन क्या है? पाई, पाई से मोर देन, थर्ड क्वाड्रेंट में है ये। तो हमने इसे कहाँ लेके जाना है, फर्स्ट में कि सेकेंड में? फर्स्ट में कि सेकेंड में? हम इसे लेके जाएंगे सेकंड में, क्यों ले जाएंगे? अगर कोज मैं सेकंड में ले जाता हूँ तो कोज सेकंड में क्या होता है? नेगेटिव। तो सेकंड में तो ले नहीं सकता, मुझे कहाँ लेके जाना है? फर्स्ट में। तो मैंने इस प्रकार स्प्लिट करना है कि मेरा जो स्प्लिट वाला एंगल है वो आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो मैं इसे लिख सकता हूँ पाई प्लस पाई बाई सिक्स। और अगर आप ध्यान से दें तो ये जो पाई बाई सिक्स है दैट इज़ 30 डिग्री, दिस लाइज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। तो ये हमारे पास कंडीशन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करनी है। ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है? अलाइड एंगल हमें क्या कहता है? यहाँ पे अलाइड एंगल सॉल्व है, तो कॉस पाई के साथ चेंज नहीं होता है, और एंगल आपके पास पाई बाय सिक्स है। उसके बाद आपने देखना होता है कि इसमें साइन कौन सा लग रहा है। अब पाई प्लस पाई बाय सिक्स है तो कौन सी क्वाड्रेंट है? थर्ड। थर्ड में क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। अब यहाँ पे देखिए, अब अभी भी ये वाला ऑप्शन नहीं बना, क्या जी ऑप्शन बन गया? कोज इनवर्स ऑफ कोज एक्स बाय एक्स, क्योंकि अभी यहाँ पे माइनस है। अब इस माइनस को हटाना आपने, अब जो माइनस है तो माइनस कोज जो अब एंगल जो है माइनस में जाएगा, और एंगल जो है ऐसी क्वाड्रेंट में जाएगा जहाँ पे कोज नेगेटिव है। ये जो कंडीशन है, ये जो इनवर्स की कंडीशन है, कि आपकी कंडीशन है कि आप फर्स्ट या सेकंड में रहेंगे, तो सेकंड में रहेंगे तो सेकंड में नेगेटिव है, फर्स्ट में पॉजिटिव, तो नेगेटिव आपके पास, तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बची, क्वाड्रेंट नंबर सेकंड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉस पाई माइनस पाई बाई सिक्स, और यहाँ पे अब ये बन गया कोज इनवर्स कोज, तो क्या बन गया इसको सॉल्व करो, क्या आ गया? कोज इनवर्स फाइव पाई बाई सिक्स। और अब आपके पास ये कंडीशन लगी, क्या आंसर आ गया?
और आप चेक करके देख लें कि जो 5π/6 है क्या वो कौन सी क्वाड्रेंट है, सेकंड में है, सेकंड में है जी, तो सेकंड में नेगेटिव था तभी तो हम क्या ऑप्शन है हमारे पास डी। चलिए नेक्स्ट, साइन है आर ब्रैकेट के अंदर है π/3, फिर माइनस है, साइन इनवर्स है, फिर ब्रैकेट के अंदर -1/2 है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर मुश्किल नहीं है क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहले हमें किसे सॉल्व करना है, -1/2 को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइन ब्रैकेट π/3 माइनस साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर माइनस, हाँ जी, अब क्योंकि यहाँ पे बाहर क्या है साइन इनवर्स है तो हमें यहाँ पे साइन चाहिए, तो साइन का कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू 1/2 होती है, π/6। अब यहाँ पे नेक्स्ट ध्यान से देखें, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स, अब हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। अब साइन इनवर्स का ये रेंज है, अब ये जो साइन π/6 है वो नेगेटिव है। अब साइन इनवर्स का कंडीशन क्या कहती है कि आपके पास या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है या फोर्थ है, तो अब ये नेगेटिव है तो कहाँ चला जाएगा, फोर्थ में जाएगा, कहाँ जाएगा, और फोर्थ में से भेजने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली इसके एंगल के साथ माइनस लगाना है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा, जब हम एंगल के साथ माइनस लगा देते हैं तो वो जो टी रेशो है वो कौन सी क्वाड्रेंट में पहुंच जाती है, फोर्थ में, मतलब एंगल कहाँ पहुंच जाता है, फोर्थ में, टी रेशो भी फोर्थ में चली जाएगी। अब इसे आप सॉल्व करके देखो, अब देखो साइन वर्स ऑफ साइन एक्स, क्या मैं यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, साइन वर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, क्या मैं ये यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, क्या मैं साइन वर्स ऑफ साइन -π/6 को यहाँ पे सिंपल जो है -π/6 लिख सकता हूँ, क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ एक्स जो है उसके रेंज में है, यहाँ पे जो -π/6 इसकी रेंज में है, तो फिर ये सॉल्व करके ये आ गया, यहाँ पे क्या है π/3 और बाहर क्या है साइन, तो यहाँ पे सॉल्व कर लो, क्या बन गया मेरे पास, साइन π/3 प्लस π/6, तो सॉल्व करके क्या आ गया, हाँ जी 6 एलसीएम में आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 2, तो 3π/6 और कितना आ गया साइन π/2 और फाइनल आंसर 1 और आपके पास ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, टैन इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स -√3 इज इक्वल टू, कोई नहीं है सर, तो क्वेश्चन करो बेटा, तू तो बैठी ऐसे, तुम लोग क्वेश्चन करो ना साथ साथ में, अगर आप सॉल्व कर सकते हो सॉल्व तो करो, तो क्या आ जाएगा टैन इनवर्स √3, तो √3 जो है वो कौन सा टैन का एंगल है जहाँ जिसकी वैल्यू √3 होती है, π/3 और आगे माइनस कोट इनवर्स माइनस फिर √3, कोट का कौन सा एंगल जिसकी वैल्यू √3 होती है, π/6 मतलब π/30 है, π/3 होती है, π/6 नहीं π/3। चलिए ये ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ अगर आपने गड़बड़ कर दी तो क्वेश्चन आपका गड़बड़ हो जाएगा। वही मैं देख रहा था कि कोट जो है कोट इनवर्स माइनस कोट π/6 होता है, ये देखो ना, यहाँ देखो ना, कोट टेन π/3 है, बड़ी सिंपल बात है, फटाफट यहाँ पे कर लो, क्या कितना टाइम लगना आपको, कोई भी कंफ्यूजन है फटाफट करें, ये 0 1/2 1/√2 √3/2 1, तो आप कोट की वैल्यू निकालना चाहते हैं, कोट क्या है कोस बटा, तो यहाँ पे देखो 3 ऊपर आ रहा है तो आपको यहाँ पे क्या यहाँ पे क्या आएगा 1√3/2 1/√2 1/2 0, तो आपको ये ऊपर चाहिए तो ये आएगा √3/2/1/2 2 से 2 कैंसिल √3,
दिस इज कॉट, तो कौन सा एंगल है ये वाला, ये वाला 30, तो पाई बाई 6। तो होता है कई बार कन्फ्यूजन, मैं भी कई बार क्वेश्चन करवाता हूँ, हो जाता है, भूल जाता है, लेकिन ये आपके पास मेथड बताया आपको, आप फटाफट इस मेथड को यूज़ करें और आप, आपको कोई याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, वैल्यू याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्या हो गया ये, अब ये देखो tan इनवर्स tan पाई बाई 3, tan इनवर्स ऑफ tan x को हम लिख सकते हैं x, इफ x बिलोंग टू क्वाड्रेंट फर्स्ट एंड फोर्थ, तो ये फर्स्ट में है, तो ये हमारे पास क्या आंसर है, पाई बाई 3। आगे माइनस कोट इनवर्स, अब इसे मैं सॉल्व नहीं कर सकता जब तक ये माइनस नहीं, यहाँ पे इसका माइनस को हम हटा नहीं देते। अब को हमारे पास क्या है, कोट, तो कोट के लिए क्या क्वाड्रेंट है हमारे पास, 0 to 2, तो फर्स्ट और सेकेंड, और इंक्लूड पाई बाई 2 इंक्लूड नहीं है इसमें, नहीं 0 to 2 पाई, और पाई बाई 2 अच्छा ठीक है, हाँ हाँ यस, हाँ यहाँ पे ओपन है ना कि क्लोज है, वो उसमें है शायद आई थिंक को सेकंड में है, तो यहाँ पे पाई बाई 3 माइनस कोट, तो अब आप किस कौन सी क्वाड्रेंट में लेके जाएंगे इसको, फर्स्ट में तो पॉजिटिव होता है कोट, सेकंड में क्या होता है नेगेटिव, और फोर्थ में नेगेटिव होता है, लेकिन अब आप सेकंड और फोर्थ में से किसी एक में लेके जाएंगे, अब फोर्थ में लेके जाएंगे, आप लेके जाएंगे सेकंड में, क्योंकि आपकी कंडीशन है, आपकी जो रेंज है वो सेकंड तक है, तो सेकंड में इसको लेके जाएंगे, तो क्या आ गया कोट इनवर्स कोट पाई माइनस पाई बाई 6। ठीक है, अब देखो यहाँ दो कंसेप्ट हो रहे हैं, एक हम बात कर रहे हैं कि स्प्लिट कर रहे हैं, एक हम कह रहे हैं कि इसको हम वहाँ पे लेके जा रहे हैं, समझ गए, तो यहाँ पे क्या आ गया पाई बाई 3, तो ये अब ये वाला एंगल सेकंड में आ गया, और आप यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, कोट ऑफ कोट एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, तो मेरे पास क्या आ गया माइनस से सॉल्व करके लिख देते हैं 5π/6, ठीक है, और कितना एलसीएम 6, यहाँ पे कितना आ गया 2π, ये गलत है, कुछ गड़बड़ हो गई है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, माइनस 3π/6, और ये कितना आ गया माइनस π/2, तो क्या हमारे पास ऑप्शन है माइनस π/2, तो हमारे पास सी ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 13π/6, तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या इसका आंसर 13π/6 होगा, क्या मैं ये वाला यहाँ पे ये कंडीशन लग जा रही है, क्या ये जो ये एंगल जो है क्या ये फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में है, नहीं है, तो यहाँ पे ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, तो क्या करना पड़ेगा हमें, हमें इस एक्स को लेके जाना पड़ा, हमें ले जाना पड़ेगा कौन कौन सी क्वाड्रेंट में, फर्स्ट या सेकंड में, ना कि फोर्थ, हम कोस की बात कर रहे हैं ना कि साइन की बात कर रहे हैं, तो कोस में फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट, अब देखो इसे हम लेके जाएंगे फर्स्ट में क्योंकि पॉजिटिव है, तो इसे अब स्प्लिट करेंगे, कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 को हम स्प्लिट करेंगे, तो यहाँ पे क्या करें 2π + π/6, अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे मैंने स्प्लिट किया, स्प्लिट इसलिए किया कि मुझे 13π/6 को बना दिया ये, और मुझे ये जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए था, तो देखो पाई बाई सिक्स जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और ये बन गया आपके पास अलाइड एंगल, और अलाइड एंगल को आप अगर आप सॉल्व करें तो कोज इनवर्स और 2π से चेंज नहीं होता बेटा, कोज रहेगा π/6 रहेगा, अब क्योंकि दूसरा पॉइंट होता है कि आपने चेक करना है कि साइन क्या है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव, अब ये देखो ये कंडीशन आ गई, कोज इनवर्स ऑफ कोज एक्स इज इक्वल टू आप एक्स लिख सकते हो, क्योंकि अब जो एक्स यहाँ पे आया आपका जो पाई बाई सिक्स आया वो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है,
सिमिलरली अगर यहाँ पे माइनस होता तो इसी क्वेश्चन को आपने किस में लेके जाना था, सेकंड में लेके जाना था, ठीक है। तो व्हाट इज योर आंसर, ए। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, और यहाँ पे मॉडुलस एक्स वो लेस देन वन है, तो आप बताएंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन है। क्या आपने किया ये क्वेश्चन? नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, हम ऐसा कर लेते हैं कि लेट, यहाँ पे ध्यान से देखें, जो टेन इनवर्स एक्स है उसे मैं थीटा ले रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी टेन थीटा, ठीक है। तो मेरे पास क्या बन गया फिर, साइन थीटा बन गया, और साइन थीटा को क्या मैं लिख सकता हूँ, वन अपॉन कोसेकेंड थीटा, साइन थीटा को वन अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ, कोसेकेंड थीटा, कोसेकेंड थीटा को अपॉन वन प्लस कॉट स्केयर थीटा स्केयर रूट लिख सकता हूँ। हमारे पास आइडेंटिटी है, क्या आइडेंटिटी है हमारे पास, कोसेकेंड स्केयर थीटा प्लस, हाँ जी, इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्केयर थीटा, यही होता है। तो कोसेकेंड थीटा मिल दिया वन प्लस कॉट स्केयर थीटा, तो एक्स की वैल्यू टेन थीटा, तो कोट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन पॉन एक्स, तो पुट कर दें आप, वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा एक्स, और नीचे बन जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन, देखो ये कुछ क्वेश्चन है, ये टिपिकल टाइप क्वेश्चन है। तो हमने, हमें पूछा कि साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, तो हमने क्या किया कि टेन इनवर्स एक्स को ही मान लिया थीटा, अलग पैरामीटर ले लिया, कोई एक और वेरिएबल ले लिया, तो एक्स की वैल्यू मैंने टेन थीटा निकाल ली, फिर मैंने साइन थीटा बन गया, जहाँ साइन थीटा को हम लिख सकते वन अपॉन कोसेकेंड थीटा, क्योंकि मुझे इन चारों में से कोई ऑप्शन ढूंढनी थी, तो कोसेकेंड थीटा को इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम लिख सकते हैं वन प्लस कोस थीटा का स्क्वायर रूट। टेन थीटा आपने बोला एक्स, कोट थीटा को जगह वन अपॉन एक्स, तो यहाँ पे मैंने सिंपल वन अपॉन एक्स पुट किया, कोट थीटा की वैल्यू सॉल्व कर लिया, और मेरे पास आ गया कौन सा है, बी, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, सिंपल क्वेश्चन, फार्मूला अप्लाई होना है, अगर आपको फार्मूला याद है, क्या फार्मूला है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, हाँ जी, क्या फार्मूला है, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई, तो ये आपके पास फार्मूला है, जस्ट आप फार्मूला अप्लाई करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स, तो ब्रैकेट लिख लेते हैं, हाँ जी, एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पर एक्स कौन है, एक्स अपॉन वाई, माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, अपॉन में क्या आ गया, वन प्लस एक्स अपॉन वाई मल्टीप्लाई वाई, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या आ गया, टेन इनवर्स, सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम देखो, ये टर्म इधर मल्टीप्लाई कर दे, इधर कर दे, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई बेटा, माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वेयर, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर दिया, साइन भी चेंज कर दिए। यहाँ नीचे देखिए, ये वाई और एक्स प्लस वाई आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ वन के साथ आएंगे, ये आ गया जी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस का साइन है, और एक्स जो है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ऊपर, तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। फर्दर देखें, टेन इनवर्स, ये देखो एक्स वाई कैंसल, आपके पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे एक्स वाई कैंसल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फर्दर ये क्या बन गया, टेन इनवर्स वन, और टेन इनवर्स वन कितना होता है, फाइव बाई फोर, तो योर आंसर इज डी। तो सारा खेल है इस फार्मूले का, अगर ये फार्मूला आपको आ जाता है तो इस क्वेश्चन को देखो, कोई मुश्किल नहीं है, और वन मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, साइन इनवर्स
माइनस वन माइनस एक्स और माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें इसको लेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेट कर रहा हूँ साइन इनवर्स एक्स को, मैं थीटा ले रहा हूँ, तो मेरे पास आएगा एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। तुरंत समझ आ रहा है? तो हमने इसे क्या कर दिया, साइन इनवर्स एक्स को थीटा, और एक्स कितना आ गया, साइन थीटा आ गया। और यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या आ गया जी, साइन इनवर्स वन माइनस एक्स एज इट इज माइनस टू, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू। यहाँ तो कोई डाउट है? ये टू थीटा मैं राइट हैंड साइड में लेके जा रहा हूँ, मेरे पास आएगा साइन इनवर्स वन माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू प्लस टू थीटा। क्या मैं फर्दर वन माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन पाई बाई टू प्लस टू थीटा लिख सकता हूँ? ये क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन को आपको ना प्रैक्टिस करने पड़ेगी, थोड़ी आपको आइडियाज़ आ जाएंगे कि हम कौन से स्टेप कैसे हम लिंक कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो ये जस्ट एक प्रैक्टिक्स का ये खेल है सारा यहाँ पे। तो यहाँ पे वन माइनस इज इक्वल टू साइन इनवर्स पाई बाई टू प्लस थीटा का, देखो मुझे यहाँ आइडिया आ गया, अब मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। देखो ये मेरे पास एक अलाइड एंगल की प्रॉपर्टी आ गई, इसे मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो वन माइनस एक्स इज इक्वल टू, आपको पता साइन पाई बाई टू से चेंज हो जाता है, ये आ गया कोज एंगल आपके पास टू थीटा आ गया। तो यहाँ तक आपके पास ये इक्वेशन बन गई। अब क्योंकि आप एक्स की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो, थीटा आपने क्या किया था, लेट किया था, तो थीटा है क्या है, साइन थीटा के, और यहाँ से आप कॉस टू थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या ले सकते हैं हम कॉस टू थीटा की वैल्यू? हाँ जी देखो कॉस टू थीटा क्या होता है बेटा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। तो वन माइनस टू साइन थीटा क्या है, तो क्या इसे वन माइनस टू एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है? तो अब आप देखो कि एक क्वेश्चन करने में कितने सारे फार्मूले इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के जो सारे फार्मूले हैं वो आपको आने चाहिए, कौन सा फार्मूला कब यूज़ हो जाएगा उसका कोई पता नहीं है। तो यहाँ पे देखो अलाइड एंगल यूज़ हो गया, ये कॉस टू थीटा का फार्मूला यहाँ पे यूज़ हो गया। अभी तक तो हमने इसमें इन्वर्स का कुछ यूज़ ही नहीं किया, क्या कुछ इन्वर्स यूज़ किया, जस्ट हमने यहाँ पे इन्वर्स वाली वैल्यू को लेट किया था हमने। तो यहाँ पे वन माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस टू थीटा को वन माइनस टू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब एक्स हो गया, इसे ये आपके पास इक्वेशन बन गई, इसे सॉल्व कर लो, वन से वन कैंसिल, टू इधर ले आओ, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स को आप कॉमन ले आए और एक्स कितना आ गया, जीरो और वन बाई टू। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास, दो वैल्यू आ गई, जीरो वन बाई टू, तो हमारे पास ए ऑप्शन है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। तो कहता है कि पूछ रहा है आपको कि एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 12.13, आपने कोज एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्या हम निकाल सकते हैं? हाँ जी वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्या करना आपने, आपको गिवन है एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 12.13, क्या आप इसे साइन एक्स इज इक्वल टू 12.13 लिख सकते हैं? क्या आप कोज एक्स फाइंड करना चाहते हो, क्या आप कोज एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं? क्या करो वैल्यू पुट कर दो, कितना आ गई 12.13 का होल स्क्वायर, क्या आ गया कोज एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 144 169 का स्क्वायर रूट, और क्या बन गया 169 स्क्वायर रूट 25 अपॉन 169 का स्क्वायर रूट 5/13। क्या कोई ऑप्शन है हमारे पास? हाँ जी सी 5/13। चलिए लास्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, हाँ जी दिस वन
ठीक है, तो मैं चलो लास्ट क्वेश्चन आसान रख देते हैं, सारे उसके जवाब दे दें, ठीक है। तो चलें इसके साथ आपके हमारे काफ़ी क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चन हो गए, और 20 क्वेश्चन में बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन हमने किए। आप दोबारा से इस वीडियो को रिपीट करके देखिए, तो जहाँ जहाँ आपके डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे।